यहाँ की जनता एक फैमिली के ऊपर विश्वास दिखाई 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 दे रही थी। महानगर पालिका उनके पास नहीं था, बेटा भी राजनीति में, पत्नी भी राजनीति में, तो घरानेशाही चल रही थी। घरानेशाही के बारे में हम ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिस जिन जिन हाथों में, जिस विश्वास के साथ इन जनता ने इनको सत्ता सौंपी थी, आमदार चुन के दिए थे, कॉरपोरेशन दी थी, उस विश्वास को उन्होंने न्याय नहीं दिया है, विश्वास को तोड़ा है। और मैं देख सकता से जिस जलोस में हमने भरा है, जिस उम्मीद से भरा है, जिस विश्वास के साथ भरा है, हमें विश्वास है कि राजन नाईक जी काफी वोटों से ये सीट जीत जाएंगे। नाला सुपारा 132 सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, इसमें कई धुरंधर कूद रहे हैं मैदान में। उससे नाला सुपारा को लेकर, खासकर जब आप चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं और इसको आप बारीकी से आप जानते हैं, क्या कहेंगे आगे विकास के बारे में और क्या कहेंगे आगे जीत के बारे में? विकास का, जब हम विकास की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि करीब 1990 से यहाँ की जनता एक फैमिली के ऊपर विश्वास दिखाई 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 दे रही थी। महानगर पालिका उनके पास नहीं था, बेटा भी राजनीति में, पत्नी भी राजनीति में, तो घरानेशाही चल रही थी। घरानेशाही के बारे में हम ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिस जिन जिन हाथों में, जिस विश्वास के साथ इन जनता ने इनको सत्ता सौंपी थी, आमदार चुन के दिए थे, कॉरपोरेशन दी थी, उस विश्वास को उन्होंने न्याय नहीं दिया है, विश्वास को तोड़ा है। और मैं देख सकता हूँ कि जैसे जहां जहां मैं चाहता हूँ, हर एक सोसाइटी में लाइट का प्रॉब्लम हो, तो अभी काफी सोसाइटी में जो पानी है टैंकर से ला रहा है, काफी सालों से टैंकर से लाया जा रहा है, इसमें काफी पैसा खर्चा जा रहा है। लाइट की समस्या देखते हैं, काफी जगह पे मीटर नहीं है, उनकी कनेक्शन नहीं दे जा रहे हैं। जहां पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, लाइट की समस्या है, बिल्डिंग खड़ी हो रही है, लेकिन उनको ओसी नहीं दी जा रही है। तो ये सारी बातें हैं जिन विश्वास के साथ जनता ने उनको सौंपी थी, वो विश्वास को उन्होंने पार नहीं किया है। और इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ, अभी जनता जो है बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहता ही, और इसलिए इस विधानसभा में हम सब परिवर्तन देखेंगे। और राजन अपा नायक काफी सारे हजारों के वोटों से चुन किया। आखिरी सवाल, महाविकास अघाड़ी की तरफ से, महायुति सरकार की तरफ से अभी आपने बड़ा बजट दिया वसई विराट शहर को। अस्पताल की जो बात चल रही थी, हॉस्पिटल अभी भी उसका जगह तक तय नहीं, जिसका आप पानी कर गए थे, आपको याद होगा। आपको क्या परिस्थिति है, कब तक हॉस्पिटल बनेंगे, और आपने जो बजट, मतलब जो सरकार ने बजट पास किया, बीजेपी सरकार, महायुति सरकार, वो कब तक काम शुरू होंगे यहाँ की जनता के लिए? जल्दी शुरू होगा, क्योंकि जगह जगह प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने कमिश्नर साहब से बात की। पहले 250 करोड़ का वो हॉस्पिटल, बड़ा अच्छा ट्रस्टेड हॉस्पिटल रहेगा, उससे पहले 10% 25 करोड़ का पहला हफ्ता कमिश्नर साहब को सौंप दिया है। तो इसलिए जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे, उससे साथ में जमीन का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा, ऐसे मैं मानता हूँ। और इसके साथ साथ बाकी जो सुविधा है वो भी हम करने की कोशिश में है। राज्य सरकार में डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार, महावती की सरकार यहाँ बैठेगी और ज्यादा से ज्यादा निधि यहाँ वसी विरार के लाएंगे और विकास काम करने में हम सफल होंगे, ऐसे मुझे मानता हूँ। सर, आप घरानेशाही का आरोप लगा रहे हो, लेकिन आपके ही शीर्ष नेता जब आते हैं तो पहले विरार में माथा टेकते हैं, विरार में जाते हैं, उसके बाद में अपने कार्यकर्ता से मिलते हैं, ऐसा आरोप लगता है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा अब नहीं होगा, पहले कुछ राजनीति की बातें अलग होती थी, अभी ऐसे नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई घराने की पार्टी नहीं है, इसके अलावा बाकी सब आप जानते हैं, देख सकते हैं, बाकी सब पार्टियां घराने, उनका घराना चला रही है, बेटा उसमें है, पत्नी है, बहन है, जो कुछ है, परिवारवाद, परिवार परिवार चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी नहीं है, इसलिए जो जो काम करेगा वो पार्टी में आगे जाता है, वो नेता बनता है। परिवर्तन की बात की जा रही, वर्षों से परिवर्तन की बात की जा रही, हो नहीं पाया, क्या वास्तव में इसका परिवर्तन संभव है? क्यों नहीं संभव है? हम देख सकते हैं कि लोकसभा में करीब 70,000 से ज्यादा वोटों से मुझे यहाँ लीड मिला था, और इसलिए ये जनता भी अब चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और जिस विश्वास से मुझे जिताया है वही विश्वास राजन अप्पा नायक के ऊपर दिखा है। मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ परिवर्तन दिखेगा। राजू पाटिल नाना कब तक आ रहे हैं आपके साथ? वो हमारे वरिष्ठ नेता दिखा है। सर, आपकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजन नाईक जो है वो भी पार्टी के बहुजन का सगा। चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।